बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 3 मैं आपको करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी इज इक्वल टू 2PQR। ये इसके इक्वल आपने प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपको जो है वो वैक्टर्स नहीं गिवन, जस्ट आपको ने ये प्रूव करना है विदाउट वैक्टर्स। तो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम जो है वो ट्रिक का यूज़ करेंगे कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है प्रूव करने के लिए वो है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, और आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2PQR के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको जो है वो वेक्टर की फॉर्म में अरेंज करके हम प्रूफ करेंगे। पी वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे इन वेक्टर्स को, आर प्लस पी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम इसको किस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले देखें आपके पास पहला जो दो वेक्टर्स का समय है उसमें पी और प्लस क्यू है, ठीक है, आर वेक्टर नहीं है। अगर पी क्यू आर आपके पास क्या हैं वेक्टर्स हैं, तो देखिए पी क्यू आर इसमें आर मौजूद नहीं है, तो पी की जगह कोफिशेंट पी का, क्यू की जगह क्यू का, और आर नहीं है तो आर को ज़ीरो। इसमें क्यू प्लस आर है, पी नहीं है, तो पी की जगह ज़ीरो, क्यू का कोफिशेंट वन और आर का कोफिशेंट वन। इसी तरह इसमें आर और पी है, क्यू नहीं है, तो पी का कोफिशेंट वन, आर का कोफिशेंट वन, क्यू की जगह ज़ीरो, ये पी क्यू आर है। और जिनका आपने लिखा है उनको बाहर पी क्यू आर को बाहर यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। अब एक्सपेंड करेंगे आर वन से, तो वन एज इट इज़, पहली रॉ पहला कॉलम हमने स्किप किया, वन ज़ीरो ज़ीरो वन अल्टरनेटिव साइन, पहली रॉ दूसरा कॉलम स्किप किया, ज़ीरो वन 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 प्लस ज़ीरो, पहली रॉ तीसरा कॉलम, तो ज़ीरो वन वन ज़ीरो, वन एज इट इज़ वन वन ज़ा वन प्लस ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस माइनस का वन, वन ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो माइनस वन वन ज़ा वन प्लस ज़ीरो, किसी से भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो हो जाएगा, उसको हम ज़ीरो ही मेंशन कर देते हैं। और साथ में आपके पास चल रहा है पी क्यू आर का प्रोडक्ट, वन वन से मल्टीप्लाई हुआ वन, माइनस माइनस प्लस हुआ वन, और ये ज़ीरो हटा दिया हमने, यहाँ पर आ गया आपके पास पी क्यू आर। अब ये हो गया वन और वन टू मल्टीप्लाई बाय पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, ये आपके पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। यहाँ मेंशन करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपके पास यूनिट 3 के थोड़े से ट्रिकी से हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो एग्ज़ाम में आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप खुद से कोशिश करेंगे, मैं खुद से जो है ना कुछ कर लूँगा, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में पॉसिबल नहीं होता। बच्चे सोचते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम काफ़ी आते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम को इंटरव्यू से आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।